हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार, आप लोगों का स्वागत करता हूँ कर्म एंड को एजुकेशन में। और यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट के क्या क्या टाइप होते हैं उनके बारे में, और ये वीडियो आपको हेल्प करेगा डीएमआरसी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें। तो फटाफट से जल्दी शुरू करते हैं हम इसको डिस्कस करना। तो यहाँ पर टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मार्केट, बाजार के प्रकार। तो बाजार के प्रकार देख लेते हैं एक प्रकार से। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किस प्रकार का होता है, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने लिखा हुआ है। पहला पॉइंट इसमें है लार्जर नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, यानी कि बहुत सारे खरीदने वाले बहुत सारे बेचने वाले होते हैं। यानी कि आपकी मर्जी है, आप ए से खरीदो या बी से खरीदो, सी से खरीदो या डी से खरीदो, एक्स वाई जेड किसे भी आप खरीद सकते हो और बेच भी किसी को भी सकते हो। यानी कि इसका माल इसको बेचो, इसका माल इसको बेचो, इसका माल इसको बेचो, कुछ भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात यहाँ नहीं होती है। और क्या होता है, सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट सेम, यानी कि एक तरह की वस्तुएं बेचते हैं, बिल्कुल सही है। मान लीजिए किसी ने कोई मोबाइल फोन बनाया और मोबाइल फोन बना करके अब मान लीजिए कोई मोबाइल फोन बेच रहा है, ठीक है, तो दूसरे वाला भी कहता है भाई मैं भी मोबाइल फोन बेचूंगा, खूब बेचो। तीसरे वाला कहेगा मैं भी मोबाइल फोन बेचूंगा, बेचो, जितने लोग चाहेंगे उतने मोबाइल फोन बेच सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात यहाँ नहीं होती है। प्राइस टेकर, कीमत को लेने वाले कहलाते हैं यहाँ पर, ठीक है, कीमतों को लेने वाले कहलाते हैं। यानी कि एक प्रकार से भाई इसकी कीमत मान लो 10,000 रुपये रखी गई, तो ये सब भी 10,000 रुपये में बेचेंगे इसको, ठीक है। अब फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, आने और जाने में आसानी। मान लीजिए इनको लगा कि इनका बिजनेस सही से सेटअप नहीं हो पा रहा, तो ये इससे एग्जिट कर जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, ये बोलेंगे भाई मैं बिजनेस नहीं कर रहा, तो जा सकते हैं। इनको लगा भी ज़्यादा बिजनेस बढ़ रहा है, तो ये एक और ब्रांच खोल लेंगे। तो इस प्रकार से फ्रीडम ऑफ एग्जिट होती है यहाँ पे। इट इज़ एन इमेजिनरी कंडीशन, ये काल्पनिक स्थिति है, बिल्कुल काल्पनिक। देखो आप कल्पनाएं बनाते हो कि कल मार्केट अच्छी होगी, अरे आज डिमांड आएगी, कल डिमांड आएगी, तो एक काल्पनिक बना लेते हो आप। अब मार्केट का डिमांड आई या ना, ये डिपेंड करता है कि आपकी कल्पना किस प्रकार से, फिर आपकी मार्केट किस प्रकार की है। मान लो आप धूप में छाता बेचोगे तो मुझको खरीदेगा, ठंड में अगर आप छाता बेचोगे तो क्यों खरीदेगा, बारिश में बेचोगे तो भी खरीदेगा। तो इस प्रकार डिपेंड करता है, ठीक है, इमेजिनरी कंडीशन पे कि भाई किस टाइप का मौसम आ रहा है, क्या चीज़ आपको बेचनी है, फिर किस चीज़ की जरूरत है मार्केट में। इसके बाद है अगला टर्म इसमें मोनोपोली, यानी कि एकाधिकार। तो एकाधिकार इसे कहेंगे, देखिए यहाँ पे सिंगल सेलर होता है, यानी कि बेचने वाले बहुत सारे खरीदने वाले, ठीक है, एक बेचने वाला और बहुत सारे खरीदने वाले, यानी कि मोनोपोली हो जाएगी। कि अगर मान लो किसी को बोल दिया गया भाई एक स्पेशल कंप्यूटर बनाया गया, फिर लैपटॉप बनाया गया, उसको बोल दिया कि एक ही बंदा, मान लीजिए इसको बोल देंगे हम एप्पल ही बेचेगा और कोई नहीं बेच रहा, या फिर HP बेचेगा और कोई नहीं बेच रहा, तो सबकी मजबूरी हो जाएगी इससे खरीदना। यानी कि खरीदने वाले बहुत सारे होंगे और बेचने वाला केवल यही होगा कि भाई मैं ही वो चीज़ बेच सकता हूँ, कोई और नहीं बेचेगा। इसको कहते हैं मोनोपोली, एक अधिकार दे दिया, ठीक है। लार्जर नंबर ऑफ बायर्स, वस्तुओं की कोई भी स्थापन वस्तुएं मौजूद नहीं होती, यानी कि भाई एक जो इंसान बेच रहा है उसकी कोई और प्रोडक्ट उसका अवेलेबल नहीं होगा, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसकी सब्सिडी कोई नहीं होगी, कोई और नहीं बेच सकता इसको, ठीक है। नो क्लोज सब्सिट्यूट ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल, कीमतों को बढ़ाने वाले होते हैं, एक प्रकार से समझ लो इसका कोई सब्सिट्यूट मौजूद नहीं होता। अगर आपको HP का लैपटॉप जहाँ मिल रहा है वो वहीं मिलेगा, फिर ऐसा नहीं कि आप एक मार्केट छोड़ कर दूसरी मार्केट चले आओ, दूसरी मार्केट छोड़ कर तीसरी मार्केट चले आओ, तीसरी मार्केट छोड़ कर चौथी मार्केट चले आओ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो एक उसके लिए निर्धारित कर दिया वही देगा, ठीक है। प्राइस मेकर होता है, बिल्कुल। रिस्ट्रिक्शन टू एंट्री एंड एग्जिट, यानी कि आने और जाने पर पाबंदियाँ होती हैं, आने आने पर पाबंदियाँ कि भाई आप एक बार मार्केट में आ गए, अगर फिर आप बोले कि हमें जाना है इस मार्केट से, क्लोज करना है, तो ऐसा नहीं हो, क्योंकि आपको ही वो स्पेशल प्रोडक्ट दिए गए बेचने के लिए, आप ही उसको बेच रहे हो। और एक बार भाई कभी कभी क्या होता है, मान लो एक बंदा बेच रहा है, दूसरा बोलेगा मुझे इस मार्केट में आना, तो वो मना करेगा भाई नहीं, इसका अधिकार मेरे पास है, मैं ही बेचूंगा HP का लैपटॉप, कोई और नहीं बेच सकता, तो उस पर पाबंदी होगी। यहाँ पे इस पे जाने पाबंदी है, वहाँ पे दूसरे के आने पे पाबंदी है, ठीक है। और मोनोपोली इसमें से इंडियन रेलवे में, भारतीय रेलवे में उदाहरण है इस प्रकार का, ठीक है, एक प्रकार से एक अधिकार भी भारतीय रेलवे के पास है ना, वहाँ पर अधिकार एक है। फिर मोनोपोलिस्टिक क्या है, इसमें लार्जर नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर होते हैं, सेलिंग डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, यानी कि एक प्रकार से बहुत सारे आपके होंगे कि HP का लैपटॉप जो बेच रहे हैं बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, ठीक है, और डिफरेंट प्रोडक्ट वो सेल करेंगे, HP का भी करेगा, डेल का भी करेगा, और क्या कहते हैं आपका लिनोवो भी करेगा, ठीक है, और डिफरेंट सैमसंग भी करेगा, तो डिफरेंट टाइप का वो सेल करेंगे, यानी कि
अलग तरह की वस्तु बेचते हैं, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट सेम है, आने और जाने में आसानी होती है भाई, जिसको मन करे वो उसे बेचे वस्तु को, जिसका मन करे वो ना बेचे। और इसका उदाहरण आप ले सकते हो किसी प्रकार से सेल ऑफ ब्रांडेड आइटम, यानी कि सब्जी मंडी ब्रांडेड वस्तुएं एक प्रकार से होगा, ठीक है। एक प्रकार से सब्जी मंडी को आप ऐसे कह सकते हो कि देखो सब्जी मंडी है, अब एक सब्जी वाला क्या करता है, उसकी मर्जी है, या तो वो आलू आलू बेच ले, या वो प्याज प्याज बेच ले, या फिर आलू प्याज दोनों बेच ले, या वो डिफरेंट टाइप की थोड़ी थोड़ी सारी सब्जी रख ले, आलू गाजर मटर टमाटर ये सब रख ले, तो इस प्रकार से रहेगी। या फिर वो ब्रांडेड वस्तु अगर बेच रहा है, तो कोई मान लो शॉपिंग मॉल है, उसमें कोई दुकान शॉप है, मान लीजिए वो क्या करेगा, डिफरेंट टाइप का ब्रांड लेकर के आएगा कि शॉपर स्टॉप भी यहाँ मिल रहा है, पीटर इंग्लैंड भी यहाँ मिल रहा है, ठीक है, और रेमंड्स भी यहाँ मिल रहा है, तो इस प्रकार से वो ब्रांडेड भी ला सकता है। फिर एक है ऑलिगोपॉली, इसमें क्या है, फ्यू सेलर एंड लार्जर नंबर ऑफ बायर, बेचने वाले कुल थोड़े होंगे कि भाई इसको आप थोड़े लोगों को दे देंगे, कि भाई आप एक काम करो, सिलेक्टेड मैंने मान लो ऊपर के एक दो और तीन लोगों को चुन लिया कि आप ये इन चीज़ों को बेचोगे, बाकी सात लोग इसको नहीं बेचेंगे, तो इसका क्या होगा, बायर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और सेलर इसके कम हो जाएंगे, थोड़े सेलर होंगे इसके। इंटरडिपेंडेंट प्राइसिंग पॉलिसी, भाई इनकी जो प्राइसिंग पॉलिसी है वो इंटरडिपेंडेंट होगी, इस पर कोई और अधिकार नहीं जमाएगा। फ्रॉम कैटल ग्रुप्स होगा, रिस्ट्रिक्शन टू एंट्री बट फ्रीडम ऑफ एग्जिट, यहाँ पर देखो क्या किया हमने, तीन लोगों को मोनोपोली दी है इसकी, बल्कि ओलिगोपॉली दी है, तो इसमें क्या किया हमने, तीन के अलावा कोई चौथा जुड़ना चाह रहा था, तो इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, भाई आप नहीं आ सकते इस बिजनेस में, लेकिन अगर इसमें से कोई जाना चाहेगा उसको बोलेंगे ठीक है आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एग्जाम्पल यहाँ पे क्या, ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, क्योंकि पेट्रोलियम में आपने देखा होगा ओपेक संगठन क्या है, वहां पर ओपेक संगठन में क्या कुछ लोग हैं बेचने वाले और खरीदने वाली पूरी दुनिया बैठी है उनके सामने, कीमतों को निर्धारित करने के लिए एक दूसरे पर वो निर्भर होते हैं, जो ओपेक बनाया गया है ना, ओपेक क्या करता है, उन सारे मेंबर मिलकर आपस में कीमत डिसाइड करते हैं कि भाई आप क्रूड ऑयल कितने दाम पे बेचोगे, उससे कम ज्यादा पे कोई नहीं बेचेगा, इसलिए संगठन बना लेते हैं, और आने में पाबंदियां होती है लेकिन जाने में कोई पाबंदी नहीं, किसी को ओपेक से बाहर निकलना तो आराम से निकल सकते हैं, तो एक प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। इसके बाद बोलते हैं बाइलेटरल मोनोपोली क्या है, इसको दो तरफ से एक अधिकार बोलते हैं, ऐसे कि इसमें सिंगल सेलर होगा सिंगल बायर होगा, मतलब एक प्रोडक्ट इसके पास मिलेगा और ये इसी को बेचेगा, ठीक है, फिर आपको कोई दूसरा प्रोडक्ट चाहिए दूसरे बायर के पास, और दूसरा बायर आएगा भाई दूसरा प्रोडक्ट चाहिए मान लो उसको, तो वो उसके लिए सेलर दूसरा होगा, यानी कि मान लो कि एक इंसान मांग रहा है यहाँ पे सैमसंग का मोबाइल फोन मांग रहा है, तो सैमसंग वाला ही इसको बेचेगा, एक मोबाइल एक बंदा आगे बोलो नोकिया का मोबाइल फोन चाहिए, तो नोकिया वाला इसको बेचेगा, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे कि उसको सब एक ही शोरूम में सब डाल दो उसको, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, लेबर यूनियन इंडस्ट्री एक प्रकार से बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ पर, और रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को भी इसको कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल इंडस्ट्री भी इसमें बहुत अच्छी है, क्योंकि जो एक बार बताओ कि अगर मान लो आपको कॉटन का बिजनेस करना है, कपड़ा बनाना है, ठीक है, तो आपको क्या होगा, रॉ मटेरियल तो लेना पड़ेगा, कपास ही लेना पड़ेगा ना, वो ऐसा थोड़ी आप चावल लेकर कॉटन का कपड़ा बनाने की कोशिश करोगे, तो जो लिमिटेड होगा वही आपको देगा, ठीक है, वही होती है बायलेटरल मोनोपोली, ठीक है, यानी कि दो तरफ से एक अधिकार होता है, दोनों तरफ का एक अधिकार, कि बेचने वाले पे भी अधिकार है, खरीदने वाले पे भी उसका अधिकार है, तो इस प्रकार चलती है ये। तो ये थे आपके कुछ एक अधिकार जो टाइप्स थे, ठीक है, जो आपने अच्छे से समझे होंगे, और वीडियो को बार बार देखिए, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।